हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर हमारी सरकार के पास खुद नोट छापने की प्रेस है, मशीन है, तो हम अनलिमिटेड करेंसी छाप के सबको एक बराबर क्यों नहीं कर देते? फिर ना तो गरीबी रहेगी, ना किसी को भूखे पेट सोना पड़ेगा, ना नौकरी के तलाश में इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही बढ़िया ना अगर सरकार ऐसा कर दे। तो ऐसे ही सवाल का आज हम जवाब आप सबको देंगे, और मैं आपका दोस्त आकाश आप सबका बहुत बहुत हार्टली वेलकम करता हूँ हमारे चैनल वी लॉन्ग ऑन मामा में, और ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप सब के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कि सरकार अनलिमिटेड करेंसी क्यों नहीं छापती है, और इस सवाल का आंसर जानने के पहले ना एक फार्मूला जानना आप सबका बहुत ज़रूरी है कि सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल करेंसी प्रेजेंट इन दैट कंट्री। इसका मतलब है कि उस देश में प्रोड्यूस होने वाले टोटल गुड्स और सर्विसेज की कीमत उतनी होगी जितने उस देश की टोटल करेंसी होगी। एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो किसी देश में 5 लोग रहते हैं और उन 5ों के पास 100-100 रुपए, पर उस देश में सिर्फ 50 किलो चावल उगता है, तो उस चावल की कीमत कितनी होगी? 100 × 5 इज इक्वल टू 500, मतलब 10 किलो 100 रुपए का। अब मान लो उस देश में 1000-1000 के नोट छाप के सबको 5 लोगों को 1000-1000 रुपए दे देते हैं, पर चावल तो अभी भी वहाँ पे 50 किलो ही है, तो अब उन चावलों की कीमत बढ़ के हो जाएगी 1000 × 5 इक्वल टू 5000, मतलब 1000 रुपए में 10 किलो, जो कि पहले था 100 रुपए में। तो इससे हुआ क्या कि जितने ज़्यादा नोट छपे उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। इस कंडीशन को कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लो कि हमारे देश में खूब सारी करेंसी छाप गई और सबको बांट दी गई, अब सबके पास लाखों करोड़ों रुपए। अब आप एक नमक का पैकेट खरीदने बाहर मार्केट जाते हो, तो उस नमक के पैकेट की कीमत थी पहले मात्र 20 रुपए, पर अब वो शॉपकीपर आपको वो नमक का पैकेट 20 रुपए में नहीं देगा, क्योंकि उसके पास भी लाखों करोड़ रुपए है, और वो 5 रुपए बचाने के लिए तो दुकान खोल के अब बैठेगा नहीं। तो अब वो उस नमक की कीमत कई गुना बढ़ा देगा, और उससे होगा ये कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक की कीमत में भारी इजाफा हो जाएगा। पूरी दुनिया को इस प्रोसेस के बारे में पता है, पर फिर भी हिस्ट्री में ना 2 कंट्रियों ने ये गलती की, और उसका नतीजा बहुत बहुत बड़ा भुगतना पड़ा उस देश को। पहली गलती की थी जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी ने भारी कर्जा ले लिया हथियार खरीदने के लिए और वर्ल्ड वॉर जीतने के लिए, पर हुआ इसका उल्टा और वो लड़ाई हार गए और वो कर्जा चुकाने में असमर्थ हो गए। इससे उनकी कंट्री की इकोनॉमिकली बहुत ख़राब हो गई स्थिति। तो उनने इसको चुकाने के लिए एक अनलिमिटेड नोट को छाप दिए और सोचे कि नोट छापने के बाद हम कर्जा चुका देंगे। उससे हुआ ये उल्टा कि वो नोट जो है ना कंट्री में डिवैल्यूएट हो गए, और वहाँ पे महंगाई आसमान छूने लगी, कर्जा तो पटा नहीं, उल्टा वहाँ के लोगों को जो है ना महंगाई का बहुत बुरा सामना करना पड़ा। और सेकेंड एग्जांपल है जिम्बाब्वे का, और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ समय पहले जिम्बाब्वे ने भी यही किया। उसने अपनी अनलिमिटेड करेंसी छाप दी, और उससे ये हुआ कि इन्फ्लेशन 1000 गुना बढ़ गया, और लोगों को इससे क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा कि दूध और अंडे जैसी ज़रूरतमंद चीज़ें लेने के लिए भी उनको बैग भर भर के पैसे देने पड़ रहे थे। तो हुआ ये कि वहाँ की करेंसी ज़्यादा छापने की वजह से इतनी डिवेल्युएट हो गई कि एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गया। इस घटना को हाइपर इन्फ्लुएंशन ऑफ जिम्बाब्वे के नाम से भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। सीधा मतलब ये हुआ कि आप जितने ज़्यादा करेंसी प्रिंट करोगे उस देश में उतनी ज़्यादा महंगाई का लोगों को सामना करना पड़ेगा, और ऐसा करने से उस देश का आसमान छूता हुआ स्टॉक मार्केट भी सीधा ज़मीन पे आ जाएगा। करेंसी नोट जो हम यूज़ करते हैं उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है, मतलब कि हम कितने सामान के बदले उस नोट को देते हैं, और इसीलिए इसे लीगल टेंडर कहा जाता है। मतलब आप कानून द्वारा ऑथराइज्ड हो उस करेंसी नोट को किसी गुड या सर्विसेज से एक्सचेंज करने के लिए। किसी भी देश में कितनी करेंसी छापनी है ये उस देश का सेंट्रल बैंक उस देश की GDP, ग्रोथ रेट और फिजिकल डेसिटेट जैसे फैक्टर्स को कंसीडर करके डिसाइड करता है कि छापना है कितने हैं। इंडिया में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डिसाइड करती है कि कब और कितनी करेंसी हमें प्रिंट करनी है। सरकार हमारी पहले का सिर्फ 1 रुपए का नोट ही प्रिंट किया करती थी, उसके बाद की और पहले की जितनी भी करेंसी है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रिंट करती। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये सब नीचे कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करके बताइए। तब तक मैं आपका दोस्त आकाश आपको अलविदा कहता हूँ। ये वो अलविदा नहीं जिसमें हमेशा के लिए जा रहे हैं, वापस आएंगे।
और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।